देश की सुरक्षा के लिए 5 टन सोना दान कर दिया। मीर उस्मान अली दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। उनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका अपना खुद का बैंक था। साल 1944 में उन्होंने ही स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की स्थापना की, जो बाद में भारतीय स्टेट बैंक में बदल गया। वो 438 करोड़ रुपए की कीमत वाले हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। मीर उस्मान अली के पास इतनी दौलत थी कि वो अंबानी जैसे सैकड़ों लोगों को खरीद सकते थे। उनके पास 236 अरब डॉलर के करीब संपत्ति थी। एक वक्त था जब दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे मीर उस्मान। साल 1937 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें कवर पेज पर जगह दी। पूरी दुनिया के सबसे अमीर उस्मान अली ने एक वक्त इटली और इंग्लैंड से भी बड़ी रियासतों पर राज किया। वो हैदराबाद के नवाब महबूब अली खान के बेटे थे। आजादी से पहले तक वो हैदराबाद के निजाम रहे और फिर जनवरी 1950 को हैदराबाद के पहले राज्य प्रमुख बने। मीर उस्मान अली भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा दान देने वाले शख्स हैं। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के वक्त मीर उस्मान ने भारत की सरकार को 5 टन सोना दिया था, जो कि किसी भी शख्स द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, तब भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार और बारूद मीर उस्मान के पैसों से ही खरीदे गए थे। अगर मीर उस्मान 5 टन सोना दान न करते तो भारत के बड़े हिस्से पर चीन का अधिकार हो जाता। मीर उस्मान द्वारा दान किए गए सोने को लेने मौजूदा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री खुद हैदराबाद गए थे। ये भी जान लीजिए दोस्तों कि मीर उस्मान अली ने ही भारत के पहले हवाई अड्डे का निर्माण करवाया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की स्थापना भी मीर उस्मान ने ही की थी, जो आज भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। उस्मान अली ने दान देते वक्त कभी किसी का मजहब नहीं पूछा। उन्होंने जहां एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 5 लाख रुपए दान किए, वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए भेजे। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को मीर उस्मान अली ने 54 एकड़ जमीन दान दे दी, जिस पर बाद में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ। मीर उस्मान की सादगी का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक टोपी और एक कंबल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। यहाँ तक कि उन्होंने कभी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना तक नहीं खाया। उनके लिए एक टीन की प्लेट बनाई गई थी, जो वो जिंदगी भर इस्तेमाल करते थे। निजाम म्यूजियम में मौजूदा दस्तावेजों के मुताबिक मीर उस्मान का जनाजा दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा था। मीर उस्मान अली कहा करते थे कि जब तक निजाम जैसा मुसलमान जिंदा है, इस धरती की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों की आंखें खोलना है दोस्तों, जो भारत की एकजुटता पर सवाल उठाते हैं, धर्म निरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं, जो हिंदू मुसलमान के भाईचारे पर सवाल खड़ा करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिस देश में कलाम साहब, मीर उस्मान साहब जैसे शख्स पैदा हुए, उन महान शख्स वाले देश में इस तरह के लोग इस तरह की घटिया सोच रखते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि ये बेहतरीन जानकारी सब तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद।